सभापति जी, माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। आज संसद भवन में फिर से कुछ ऐसा हुआ कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक चर्चा का विषय बन गया। संसद का मानसून सत्र किसी रोमांच भरी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं प्रतीत हो रहा है। जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव विपक्ष की तरफ से बड़ी मजबूती के साथ मोर्चा संभाले हैं, वहीं आज अनुराग ठाकुर ने अपनी स्पीच से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। संसद में एक दूसरे पे कटाक्ष और टिप्पणी कोई नई बात नहीं है, पर इस बार जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां धर्म के पिच पर बैटिंग कर रही है वो देखना काफी रोचक। कल ही राहुल गांधी ने अपने भाषण में शिव की बारात, चक्रव्यूह इत्यादि का जिक्र किया था, साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना को एक बार फिर से हवा दी। कल के राहुल गांधी के भाषण के जवाब में अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को घेरना शुरू किया और फिर उन्होंने तमाम तरीके के मुद्दों पर बात करी। कल के एलओपी के भाषण का जवाब देते हुए उन्होंने राहुल गांधी को रियल नेता बनने की नसीहत दी। सुनिए क्या कहा अनुराग ठाकुर ने। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर, कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं पर देखा भी नहीं होगा शायद। सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे वो करण को करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृपचाय बोल रहे थे। चलिए छोड़िए उसको। अध्यक्ष जी, कल तो ऐसा लग रहा था सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्ञान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा बीआर चोपड़ा के महाभारत के धारावाहिक का संगीत गूंजने लगा हो। इसके बाद उन्होंने चक्रव्यूह वाले बयान पे राहुल गांधी को घेरा। कल जब राहुल गांधी चक्रव्यूह पर बहुत ज्ञान दे रहे थे तो पीछे दो लोग, कुमारी शैलजा जी और दीपेंद्र जी, बैठकर मुस्कुरा रहे थे। अब शायद राहुल जी वो पीछे हंस तो रहे थे, लेकिन आप एक बार जरूर कर लीजिए, चक्रव्यूह के परिपेक्ष में इन दोनों से बेहतर कौन बता सकता है हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं। जान लीजिए कि कौन शकुनी है और कौन अभिमन्यु है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपको एक और सुझाव है और मैं इतना जरूर कहूंगा, आपने तो कई सारे चक्रव्यूह बनाने का काम किया सर, और जब उस समय किशोर अभिमन्यु पर कौरवों ने युद्ध नीति के विपरीत जाकर प्रहार किया था, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। इतने में पुत्र दुर्शासन ने पीछे सा था वार किया, निष्प्राण हुए एक गदा से सिर पर था प्रहार किया, मां धरती की गोद में वह आंख मूंद कर सो गया, अंबर का तेजस्वी तारा धूमकेतु सा खो गया, लेकिन कोई तारे का तेज फीका नहीं कर सकता, वीर गति पाकर अमर हुआ हो कभी नहीं मर सकता है। पुत्र सुभद्रा कुरुक्षेत्र में जिसकी अमर कहानी थी, नौ माह में सीखी विद्या जब 16 साल जवानी थी। अब उस अभिमन्यु को जिसने सारे चक्रों को तोड़ने का काम किया, मैं इतना ही कहूंगा, चक्रव्यूह का प्रसंग छेड़कर आपने अच्छा किया। इस देश ने बहुत सारे चक्रव्यूह देखे, कांग्रेस का चक्रव्यूह, सर इसके 4 किरदार, 7 किरदार मैं बताता हूं सर। पहला कांग्रेस,
दूसरा पंडित नेहरू, सर नाम लेने के लिए मना किया, मैं दूसरा दूसरी तरह से बोलता हूँ, पहला कांग्रेस, दूसरे पहले प्रधानमंत्री एनजी, फिर तीसरा किरदार आईजी पूर्व प्रधानमंत्री, चौथा आरजी वन उस समय के प्रधानमंत्री, पांचवा एसजी, छठवा आरजी टू और सातवा आप सब जानते ही हैं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। सर पहले चक्रव्यूह ने देश को विभाजन कराया, पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन करवाया, और दूसरे जो एनजी उन्होंने देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी, चीनियों को भारत भूमि सौगात में दी। सर तीसरे चक्रव्यूह आईजी ने, पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने देश को आपातकाल दी, इमरजेंसी दी और पंजाब अशांति दी, पंजाब में अशांति दी। चौथे जो आरजी वन है, आरजी वन ने बोफोर्स दिया और सिखों का निस्संहार किया। पांचवे जो ऐसी हैं, उन्होंने सनातन धर्म परंपरा के प्रति नफरत का नैरेटिव बनाया, 12 लाख के करोड़ के घोटालों को संरक्षण प्रदान किया, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भंवर जाल में फंसाया, और छठे ठहरे आप जिन्होंने पिछले 15 सालों में देश की राजनीति, संसदीय परंपरा और संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया, जितने की ये बाकी 6 मिलकर चक्रव्यूह एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाए। और रही सातवीं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा सभापति जी, सातों चक्रव्यूह ने मिलकर देश को गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद, कट्टरवाद जैसे अनगिनत दुष्चक्रों में फंसा दिया था। देश को हमने इन आपके दुष्चक्रों से बचाया है, आजाद कराया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास रथ को आगे बढ़ाया। आज दुनिया में भारत को पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। आप जिस अभिमन्यु को घेरने की कोशिश पिछले 22 सालों से कर रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, आपके योद्धा और आपकी सरकारें निपट गई, लेकिन आप उनको घेर पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसे हैं। आज यहाँ 293 अभिमन्यु बैठे हैं, भले ही आपके पास करण जैसे धुरंधर हो, शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार हो, धर्म हमारे साथ है। इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना की बात करी, जिस पर राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर खुद के उनके अपमान का आरोप लगाया। सुनिए, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, इस सर माइक नहीं, सर माइक यहाँ से नहीं जाती। सर जो भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे, धन्यवाद। इसके बाद क्या था, इसके बाद अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए और उन्होंने भी अनुराग ठाकुर पर कटाक्ष शुरू कर दिया। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप, अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ। सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए, प्लीज बजट पर चर्चा। सभापति जी, दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको।
कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। आपको बताते चले कि मॉनसून सत्र 2024 12 अगस्त तक चलेगा। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किसका भाषण अच्छा लगा, अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं हूं नील और आप देख रहे थे जिफी न्यूज।